हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में गाइस। एंड आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सिमिलैरिटीज। तो ये एक डेडिकेटेड सीरीज या फिर प्लेलिस्ट हम लोग बनाने वाले हैं विच विल बी डेडिकेटेड टू 10th स्टैंडर्ड मैथ्स, दैट इज गोना बी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का जो सीरीज है उसको शुरू कर रहे हैं। एंड अगर अच्छा फीडबैक रहा आप लोगों का तो हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड दूसरी सीरीज जो है अलजेब्रा की वो भी बनाएंगे पैरेलली। ठीक है, सो लेट्स गेट गोइंग। तो सिमिलैरिटीज का चैप्टर है फर्स्ट, ठीक है, ज्योमेट्री का। ये जो चैप्टर है इसका जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, सो अगर दो ट्राइंगल के एरिया से अगर मैं रेशियो लू, ठीक है, तो रेशियो क्या होगा। तो ये प्रॉपर्टी को पढ़ेगी, काफी सिंपल प्रॉपर्टी है एंड इम्पोर्टेंट भी है। सो हम लोग शुरू करते हैं इस प्रॉपर्टी से, सो लेट्स गेट गोइंग। तो आपको कंसीडर करना दो ट्रायंगल, ना मैं जो बुक में ट्रायंगल्स दिए वही ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है, तो सेम सेम उल्टा आएगा। ठीक है, सो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो एक ट्रायंगल जो है उसका नाम है ए बी सी एंड ये परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, और उसका भी इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को, उसका नाम है डी। ठीक है, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, इसका नाम है पी क्यू एस एंड आर, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो ऐसे ड्रॉ है। तो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, एंड ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, सुनो अभी इनको क्या करेगा, आपको अगर पता रहेगा बेसिक्स अगर क्लियर है आपका तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता रहेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ इंटू, अभी ये जो ट्रायंगल है इसका बेस क्या है, तो बेस क्या है इसका बी सी, बेस इंटू हाइट क्या आएगा इसका, हाइट इज परपेंडिकुलर, तो ये क्या आएगा ए डी। तो ये जो ट्रायंगल है इसका अगर एरिया जो है वो मुझे अगर चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी ट्राइंगल है तो इसका भी एरिया हम सेम तरीके से निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या आएगा इसका क्यू आर, एंड हाइट क्या आएगा इसका पी एस। ठीक है, सो हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। तो देखो ये इस ट्रायंगल का एरिया है ए बी सी और ये इस ट्रायंगल का एरिया है पी क्यू आर, और वो टॉपिक क्या है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले, ठीक है, तो मैं पहले ए बी सी, सो रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल अगर हमने लिया, ठीक है, तो क्या आएगा वो, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बराबर ना, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का मैं क्या कर रहा हूँ रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, सो ये मैंने ऊपर लिख दिया डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, लेकिन ये ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, मैं लिखूंगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। वैसे ही इसका ये नीचे है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का नीचे मैं लिखूंगा हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। ठीक है ना, दोनों में जो हाफ हाफ है वो सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों कैंसिल हो जाए, क्या बच गया यहाँ पे बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, इसका वैसा रेशियो। तो ये क्या है, ये है बेस, ये है हाइट, सिमिलरली ये है बेस, ये है हाइट। ठीक है, सो ये दिया आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें क्या दिया था, क्या ढूंढना आपको, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है,
नाउ अगर आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई रहेगी, ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो हमको क्या समझ में आया कि अगर हम लोग दो ट्रायंगल्स का अगर रेशियो निकाले तो किसको इक्वल रहेगा, तो इक्वल रहेगा रेशियो ऑफ देयर बेसन हाइट, बेसन हाइट मतलब अगर मैं दो ट्रायंगल्स का रेशियो निकालूंगा तो उन दोनों का रेशियो किसको इक्वल रहेगा, उन दोनों ट्रायंगल के बेस और हाइट के प्रोडक्ट को और डिवाइड बाय उसी दूसरे ट्रायंगल के बेस और हाइट के प्रोडक्ट को। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पोंडिंग हाइट। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो है वो किसको इक्वल रहेगा, वो इक्वल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, ठीक है, उसके रेशियो को और इसके भी बेस और हाइट के प्रोडक्ट को। ओके, सो नाउ इस पे बेस इसकी तीन कंडीशंस बनती है, तो हम लोग वन बाय वन तीनों कंडीशंस जो है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट गोइंग। ओके, सो अभी हम लोग जो है इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, इफ द हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स इज इक्वल, मतलब जो दो ट्रायंगल का एरिया का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ अगर उन दोनों ट्रायंगल के जो हाइट्स है, अगर दोनों की हाइट क्या है सेम है, अगर एच और एच यानी ए डी और पी एस की जो लेंथ है या फिर जो हाइट है वो अगर सेम रहेगा तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का अगर एरिया का रेशियो निकालूं तो किसको इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या था, हाफ इंटू बेस क्या है बी सी इंटू हाइट क्या है ए डी, बरोबर है। अभी AD को हम लोग चीज यहाँ पे एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहिए तो आप AD भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि इसका जो AD है और ये PS क्या है वो इक्वल है, या फिर अगर आपको उस पर कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको क्या लिखते हो, H लिखते हो, तो मैं इसको H लिख देता हूँ, तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका BC इंटू हाइट क्या है इसकी H है, H सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी हो सकता है वो। नाउ वैसे ही अगर मैं इसका एरिया निकालू तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अगर मैं निकालू तो क्या आएगा वो, तो आएगा हाफ इंटू बेस क्या है इसका क्यू आर और इंटू हाइट क्या आएगा इसका पी एस। ठीक है, सो हाफ इंटू क्यू आर इंटू एच, बरोबर है, इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, ठीक है, तो हमने दोनों सिर्फ पी एस और ए डी था उस जगह पे एच लिख दिया है बिकॉज वो दोनों अभी फिलहाल क्या है सेम है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कि अगर दोनों की हाइट सेम होगी तो क्या होगा, ठीक है, जो दोनों ट्रायंगल है उसके एरिया का रेशियो निकालते, ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये देखो सो ना, देखो दोनों का जो हाफ हाफ है वो तो कट हो जाएगा, जो इसके पहले देखा था, बरोबर है ना, कि अगर दो ट्रायंगल के एरिया का हम लोग रेशियो निकाले तो किसको इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट, ठीक है, तो उसमें हाफ आएगा नहीं। ठीक है, फिर भी तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं इसको फिर से कर रहा हूं। ठीक है, सो हाफ इंटू बी सी इंटू एच अपॉन हाफ इंटू उसका क्या है क्यू आर इंटू एच, देखो ये इस ट्रायंगल का एबीसी का गया हाफ इंटू बी सी इंटू एच, ठीक है, ये ट्रायंगल का, वैसे इस पी क्यू आर ट्रायंगल इसका गया हाफ इंटू क्यू आर इंटू एच। ठीक है, नाउ ये हाफ हाफ सेम था जैसे पहले कैंसिल होगा वैसे ये भी कैंसिल हो जाएगा, नाउ ये जो एच और एच है ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों भी क्या है सेम है, नाउ अभी ये कैंसिल हो गया तो बचा गया हमारे पास, तो हमारे पास जो बचता है वो कुछ ऐसा है, तो क्या बचा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा बी सी, अपन यहाँ पे क्या बचा हमारे पास क्यू आर, तो बी सी और क्यू आर क्या है, बी सी और क्यू आर क्या है बेस है, क्या है ये बेस, तो इससे हमको फर्स्ट कंडीशन वो क्लियर होती है, इसमें अगर एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पोंडिंग बेस। ओके, सो नाउ क्योंकि इन दोनों का बेस जो हाइट है वो सेम थी और हाइट कैंसिल हो गई, तो इससे हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बन जाती है क्या है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर और दोनों की अगर हाइट सेम है तो उन दोनों का अगर हम लोग एरिया का रेशियो निकालेंगे तो उन दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा किसको, रेशियो ऑफ देयर बेस। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे क्या है बीसी और यहाँ पे क्या है इसका क्यू आर और बीसी और क्यू आर क्या है इन दोनों का बेस है। ठीक है, सो अगर दोनों की हाइट सेम रहेगी तो अब उनका जो एरिया का रेशियो है किसको इक्वल रहेगा, उनके बेस के रेशियो को इक्वल रहेगा। इसके पहले क्या था बेस और हाइट के रेशियो को, क्योंकि उसमें हाइट और बेस कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं थे, फर्स्ट कंडीशन है जब अगर हाइट इक्वल रहेगी तो इन दोनों का जो रेशियो है वो किसको इक्वल रहेगा, इनके बेस के
रेशियो को, ठीक है। वैसे भी एक और कंडीशन है जो हम लोग चेक करेंगे, सो लेट्स गेट गोइंग। ओके सो गाइस, जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बोलते हैं, इफ द बेस ऑफ द बोथ ट्रायंगल इज इक्वल। नाउ इसके पहले जो कंडीशन थी उसमें क्या था, हाइट इक्वल था, तो हमको जो रेशियो मिला था किसका मिला था, रेशियो उनके बेस के रेशियो को इक्वल रहेगा, ठीक है। नाउ अभी अगर हम कंसीडर करें कि बेस का जो रेशियो अगर वो इक्वल रहेगा तो हमको क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें बेस इक्वल रहेगा लेकिन इसमें हाइट इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। सो अभी मैंने ट्रायंगल बना दिया है, नाउ इसमें एक ही ट्रायंगल बनाना है क्योंकि दूसरा इसी के अंदर बनेगा तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने पहले एक बनाया था कि आप अच्छे से देख पाओ ताकि सेकंड वाला में बना तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो अगर मैं ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, पहले इसका मैं लिख देते पड़ा, तो अगर इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज गोना बी हाफ इनटू इसका बेस क्या है ए बी, इसकी हाइट क्या है CD, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना कि इसका ये बेस और ये हाइट होगा। नाउ अभी मैं दूसरा ट्रायंगल बनाऊंगा, तो उसका जो बेस है ना उसमें इक्वल ही रखना मेरे को, ठीक है। तो ये मैं दूसरा ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल के तीन पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का बेस इक्वल है, ये पॉइंट है क्यू। ट्रायंगल का नाम है पी ए बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके नाउ आप देखोगे कि दोनों का जो बेस है, देखो ट्रायंगल ए बी सी का बेस क्या है ए बी, और ट्रायंगल पी ए बी का भी बेस क्या है ए बी, और दोनों जो बेस है वो अभी क्या है इक्वल है, ठीक है। सो अभी देखो इस ट्रायंगल का दोनों पहले निकाल देते क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया होगा, ठीक है। नाउ अभी ये जो सेकेंड वाला ट्रायंगल है इसका हम लोग चेक करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी इसमें ट्रायंगल का नाम क्या है पी ए बी, ट्रायंगल का नाम क्या है पी ए बी, सो उसका भी क्या आएगा सेम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ इनटू बेस क्या है इसका, तो बेस है ए बी, तो इनटू ए बी, और इनटू इसका हाइट क्या है पी क्यू, हाइट क्या है पी क्यू, ना इन दोनों की हाइट क्या है वो इक्वल नहीं है इस बार, ठीक है। सुनो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाले ऐसे दो ट्रायंगल का जिनका क्या है बेस से, मैं अगर उसका अगर वो एरिया का रेशियो निकाले तो क्या होगा, सो लेट्स सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू, इसका क्या था हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी अपॉन, इसका क्या है हाफ इंटू ए बी इंटू पी क्यू, ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये ए बी और ए बी, ए बी और ए बी, ब्लू वाले का भी ए बी और ब्लैक वाले का भी ए बी जो है ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है सेम है, सेम है तो ऊपर नीचे होता है टू ऑन टू टू ऑन टू 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 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, वैसे ए बी और ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसमें बचा क्या, इसमें बचा है सी डी अपॉन पी क्यू। सो अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालू तो किसको इक्वल रहेगा सी डी अपन पी क्यू ना, सी डी अपन पी क्यू क्या है सी डी क्या है हाइट है और पी क्यू क्या है हाइट है, तो ये क्या है H1 है ये है H2। अगर मैं दो ऐसे ट्रायंगल हूँ जिनका बेस क्या है सेम है और अगर उन दोनों का मैं एरिया निकालूं तो उनका जो एरिया का जो रेशियो आएगा वो किसको इक्वल रहेगा, वो इक्वल रहेगा उनके हाइट्स के रेशियो को, ठीक है। सो ये जो है आपकी सेकंड कंडीशन जो है वो खत्म हो गई, ठीक है, ये अंडरस्टूड आएगा सब लोगों को, ठीक है। ओके सो गाइस दैट्स इट, तो ये था आज का वीडियो। ओके सो गाइस दैट्स इट, ये थी इसकी फर्स्ट, उन्होंने जो प्रॉपर्टी क्या है उसको समझ लिया, फिर उसमें जो दो कंडीशंस थी, एक अगर सेम बेस होगा तो क्या होगा, सेम बेस होगा तो उसके हाइट्स के रेशियो को करस्पॉन्डिंग रहेगा, और अगर हाइट्स इक्वल रहेगा तो उसके बेस के रेशियो को करस्पॉन्डिंग होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई रहेगी, एंड अगर ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे विद अ न्यू वीडियो, सो बाय। तो वो क्या दिया होगा क्वेश्चन, अगर एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, तो एक ट्रायंगल है उसका बेस क्या है 9 और हाइट क्या है 5, तो दोनों ट्रायंगल जो दोनों एक ही ट्रायंगल का है इसके दोनों को B1 और H1 जो है मैंने लिख दिया, बेस इसका और हाइट भी फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। नाउ वैसे एक और ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें दिया बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है, एक दूसरे ट्रायंगल का बेस इज 10 एंड हाइट इज 6, ठीक है, तो बेस कितना उसका 10 है और हाइट कितनी उसकी 6 है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, सो इन दोनों जो
ट्राइंगल है, इनका एरियाज का रेशियो हमको ढूंढना है जो हमने इसके पहले जो प्रॉपर्टीज सीखी थी उसके हिसाब से करना है, ठीक है। सॉरी, तो ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो है A1 और ये ट्राइंगल का जो एरिया है उसको बोल देते हैं A2। ना हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल के एरिया का हम रेशियो निकालते हैं तो उसका रेशियो किसको इक्वल रहता है, उनके बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के रेशियोज को, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा देखा है वो, तो फर्स्ट स्टार्टिंग एकदम वीडियो का जो है वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सो इसका एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। देखो ये वही बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ना, हाफ हाफ था, लेकिन हम लोग को पता है हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देख लिया है, ठीक है। सो नाउ B1 कितना हमारा 9 है, सो 9 लिख देंगे यहाँ पे, और H1 कितना हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। B2 कितना हमारा 10, तो 10 लिख देंगे, और H2 कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो A1 upon A2 इसको ऐसे ऐसे नीचे लिख दिया equals 9, P1 कितना है 9, H1 कितना है 5, 10, 6, ठीक है। फिर हमने लिख दिया, अब यहाँ कुछ डिवाइड होता, डिवाइड कर दो, 5 × 5, 5 × 10, 3 × 6, 3 × 3, 9, सो ऊपर क्या बचा 3 × 3, और नीचे क्या बचा 2 × 4। सो A1 upon A2 का जो रेशियो हमको क्या आया, हमको आया वो रेशियो 3/4, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट सम, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। सो सेकंड सम पे चलते हैं। सो ओके, सो गाइस दिस इज आवर सेकंड सम, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड सम। नाउ इसमें हमको क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स है ABC and ADB, ठीक है। सो दो ट्रायंगल हमारे पास, एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं दोनों ट्रायंगल को ताकि आपको समझ में आए। सो एक ये ट्रायंगल है, एंड सेकेंड ट्रायंगल है वो ये है, आपके ऊपर दिख रहेगा, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल्स है, एंड अभी हमको क्या बोला है, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, एंड ट्रायंगल ए डी बी, इन दोनों ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो निकालना है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ट्रायंगल में ये ए बी जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो होने क्या वाला, आगे जाके जो ए बी है वो कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा बताओ, ए बी सी जो ट्रायंगल है क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हाफ हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि रेशियो में हाफ आपको पता ना सिंपल है, दोनों में कॉमन तो कैंसिल होने वाला है, ठीक है। सो ए बी सी जो है, ठीक है, तो उसका समझो ये बेस ले लिया ए बी, तो क्या आएगा ए बी इंटू हाइट क्या आएगा इसका, ये 90 डिग्री यहाँ पे बी सी, सो बी सी, ठीक है। सो ए बी इंटू बी सी वैसे ही डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी अगर लिया ना, अगर मैं ए डी बी लू, ए डी बी, ठीक है, तो इसका कुछ भी ए बी एक बेस हो गया और ए डी बी तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, तो ये वाला हमको नहीं चाहिए, तो ए बी एंड ए डी, सो ए बी इंटू ए डी, तो आ गया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ ऑफ तो बताया कैंसिल हो। सो नाउ ए बी एंड ए बी विल गेट कैंसिल, ठीक है। सो ए बी और ए बी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम था ना, सेम सेम टू टू रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल ऐसा कुछ, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए डी, और बी सी कितना है 4 और ए डी कितना है 8, सो 4 × 4 = 2, सो क्या आएगा 1/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। जहां पे भी ये प्रॉपर्टी यूज करो ना, आपको लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द बेस एंड करस्पोंडिंग हाइट्स, ठीक है, ये लिखना है। जैसे ये वाला कि सच में मान लो अगर ए बी को बेस कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मान लो ए बी को बोलते हैं कि बेस कॉमन है, तुमको पता था दिखा था ना ये सेम है दोनों में, तो बोलते हैं कि कॉमन है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे बी सी अपॉन ए डी, मतलब हम लोग लिखते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ए बी और ए बी लिखते नहीं थे क्योंकि हमको पता था कि सेम है तो कैंसिल हो जाएगा,
डायरेक्टली करो तो यहाँ पे ये जो रीजन हम लोग लिख लेते हैं क्या एरिया ऑफ टू देयर करेस्पॉन्डिंग हाइट ठीक है सो अगर ऐसा लिखा मतलब हमने इसको ए बी को बेस कंसीडर किया तो बेस कॉमन है तो वो अगर लिखते हैं हम लोग तो हमको ये ए बी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं BC upon AD क्योंकि BC और AD क्या है हम उसको हाइट कंसिडर करेंगे ठीक है तो इस तरह से ये सम जो है वो थोड़ा सा और कट शॉर्ट हो सकता है ठीक है लेकिन आपको ये रीजन जो है वो आपको भी ध्यान से लिखना पड़ेगा तो ये रीजन अगर आप दो तीनों में से कोई भी रीजन लिख सकते हो यहाँ पे क्योंकि इसको हाइट कंपल्सरी बोलना जरूरी नहीं है आप इसको बेस भी ले सकते हो इसको हाइट भी ले सकते हो ठीक है वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं होके आप इसको क्योंकि ये स्लीपिंग है तो बेस ले लो स्टैंडिंग है तो हाइट ले लो ठीक है सो हम लोग बोलेंगे कि बेस कॉमन है तो जो रेशियो है इसको इक्वल रहेगा उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स को तो फर्स्ट ट्रायंगल में BC हाइट है और सेकंड ट्रायंगल में AD हाइट है तो उन दोनों का रेशियो फिर डायरेक्टली हमको 4/8/1/2 आ जाएगा ठीक है तो आपको ये वाला पार्ट लिखा था वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये रीजन प्रॉपर लिखोगे तो अगर इसके जगह आप लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फर्स्ट वाला रीजन है जो आप रिमेंबर इसमें देखोगे पेज नंबर 5 पे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड करस्पोंडिंग हाइट अगर वो रीजन तो आपको बेस और हाइट दोनों भी लिखना पड़ता था जैसे हमने इसको सबको पहले किया था ऐसा कुछ ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड ठीक है सो हम थर्ड जो सम है उस पर स्विच कर चलो ओके सो गाइस दिस इज आवर थर्ड सम ठीक है एंड ये थर्ड सम काफी लाइक इंटरेस्टिंग सम है साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है तो आपको कुछ जो ध्यान रखना है ना कुछ बेस है जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ इस सम के पहले ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो ठीक है सो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले लूँ ठीक है मतलब ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा है ठीक है ये एंगल क्या है 90 से थीटा जो है एंगल जो है 90 से ज़्यादा अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो अगर मुझे इसका एरिया ढूंढना है ठीक है और इसको बेस कंसिडर करना है ठीक है इसको लिखो ए बी सी ठीक है अगर मुझे इसका एरिया ढूंढना है और इसको बेस लेना है तो मैं क्या करूँगा मैं इसको एक्सटेंड करूँगा और इसको नीचे लेकर आऊँगा ठीक है सो यहाँ से यहाँ तक यानी ए बी को मैं बेस लूँगा ठीक है इसका हाइट में क्या करूँगा मैं सी से लेके यहाँ तक मैं इसको डी लिखता हूँ सी से लेके डी तक मैं क्या लूँगा हाइट सो हाफ इंटू ये हो गया बेस ए बी ए बी कहाँ तक जहाँ तक वो है वहीं तक आगे एक्सटेंड किया वो नहीं और हाइट कहाँ तक मैं उसके टॉप से लेके उसके बेस तक तो क्या आएगा सी डी ठीक है सो ये हो गया आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ना यही ट्राइंगल का एरिया अगर मैं चाहूँ तो ऐसे कुछ मान लो ये मेरा ट्राइंगल था मैं इसको ए और सी ना ये एंगल जो है ये भी क्या है 90 से ज्यादा है ठीक है ना ये ए सी और ये बी दो बी है सेम वैसा ही ये ए और सी है ये हाफ मीटर जो है जो 90 का बड़ा वाला साइड है यहाँ पे बेस पे है ना अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ये ए सी बेस तो आएगा ठीक है इसमें बेस क्या आएगा इसमें बेस क्या आएगा ए सी ठीक है क्योंकि नीचे स्लिपिंग है तो ए सी और इसका हाइट क्या आएगा हाइट आएगा बी से यहाँ तक ठीक है तो इसका हाइट क्या आएगा मानो मैं यहाँ पे देख लूँ बी डी तो बी डी जो है वो इसका हाइट आएगा तो सेम इस सेम तरीके का ट्राइंगल ना ये ट्राइंगल मानो सेम है देखो इसमें अगर मैं यहाँ से यहाँ पे बना हुई हाइट ठीक है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा तो ट्राइंगल सेम तरीके का है लेकिन उसका एरिया ढूंढने के तरीके दो अलग अलग या फिर इसी तरीके से लेकिन दो अलग वे में वो अप्रोच कर सकते हैं ठीक है सो आपको अभी इसी चीज को ध्यान रखना और ये सम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सो ना क्वेश्चन में वो दिया कि आपको आर क्यू दिया हुआ है 6 आर क्यू जो है यानी ये 6 दिया है पी एस दिया हुआ है 6 सो पी एस यानी ये 6 दिया है पी आर दिया हुआ है 12 ठीक है पी आर मतलब ये हमको दिया हुआ है 12 ठीक है हमको क्यू टी जो है वो फाइंड आउट करना है ना आप सोचोगे कैसे फाइंड आउट करोगे तो वो बहुत सिंपल है मैं पहले ये वाला ट्राइंगल लूंगा कौन सा मानो मैं पी आर क्यू ठीक है पी आर क्यू ट्राइंगल होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है ये वाला तो
पी आर क्यू सी ए पी, ठीक है, और ये ऑपोजिट है ना, दिख रहा था 90 से ज्यादा, ठीक है। सो अगर मैं पी आर क्यू जो एंगल है अगर मैं इसको लेता हूँ, ये वाला अगर मैं ट्राइंगल जो है अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, तो इसका जो बेस है वो क्या हो गया, इसका बेस हो गया आर क्यू, ठीक है, जैसे इसमें बेस था ए डी। सो इसकी वजह से हम देखते हैं उसको लिख देंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल नाम क्या आर क्यू पी, ठीक है, ट्राइंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो हाफ इनटू, अब इसका बेस क्या लेंगे हम लोग, आर क्यू, क्या लेंगे बेस आर क्यू इनटू, अब इसकी हाइट जो है, इसकी जो हाइट है वो कैसा आएगी, देखो अगर ये ऑपोजिट एंगल ट्रायंगल है तो हाइट के एंगल में एक्सटेंड होकर ऊपर से परपेंडिकुलर आया हम, तो वो टॉप पी से यहां पे परपेंडिकुलर आया है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है तो इसको मैं हाइट लूंगा, तो इसका हाइट क्या आएगा पी एस, क्या आएगा हाइट पी एस। नाउ देखो हम लोग हाइट जो है इसमें, क्योंकि ये बेस लिया ना हम लोगों ने, तो बेस ये लिया तो इसका टॉप पीक ये नहीं है, यहाँ तक है, तो उन्होंने इसको बेस लिया है, तो आपको हाइट इसी को लेना पड़ेगा। जैसे उन्होंने इसमें क्या था, ये बेस लिया था, ये बाहर आके जो परपेंडिकुलर आ रहा है 90 डिग्री, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी हाइट लेंगे, ठीक है। सो पी एस जो हमारा हाइट आएगा ना, आर क्यू और पी एस दोनों में हमको दिया हुआ, आर क्यू और पी एस दिया हुआ है, तो कितना आएगा हाफ इंटू सिक्स इंटू सिक्स, टू वन जा टू थ्री जा सिक्स, थ्री जा 18 यूनिट्स, लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूं, ठीक है, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो इसी ट्रायंगल को अगर मैं घुमा दूं तो ये मेरा P आ गया इधर, ये मेरा R आ गया इधर, और ये मेरा Q इधर आ गया, और ये आ गया मेरा T। देखो सेम ट्राइंगल है, सेम है बी आर क्यू, देखो बी आर क्यू, ठीक है, ये है क्यू टी, तो ये है क्यू टी, समझ में आया, सेम ट्राइंगल है, बस मैंने क्या किया इसको घुमा दिया, तो अभी इसमें देखो ये टी आर कितना है 12 है, हमको पता है, ठीक है, और क्यू टी कितना है, क्यू टी कितना दिया हमको, नहीं दिया, तो क्यू टी जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मैं इस ट्राइंगल पे एरिया निकालूंगा, मतलब कैसे निकालूंगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करूंगा, जिसमें ये बेस और ये क्यू टी क्या देगा मेरा हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, पी क्यू आर ले लिया, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, तो इसका बेस क्या है, तो इसका बेस है कितना पी आर, ठीक है, तो यहाँ पे पी आर ले लेते हैं, और उसका हाइट कितना आएगा क्यू टी, सो हाफ इंटू पी आर कितना है 12 इंटू क्यू टी, ठीक है। सो ये आएगा इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ अभी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, नाउ अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल जो हमने पहले लिया था इसका हमने एरिया लिखा, और ये जो ट्राइंगल है इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक्चुअली सेम ट्रायंगल ही है, ठीक है, ट्रायंगल में कुछ फर्क नहीं है, मतलब दोनों भी एक ही ट्रायंगल है। देखो मैंने पहले भी ये ट्रायंगल लिया था, देखो ट्रायंगल का नाम देखो आर क्यू पी बराबर है, फिर क्या लिया मैंने पी क्यू आर, सो पी क्यू आर आर क्यू पी पी क्यू आर, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक ही ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आर क्यू पी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सेम ही रहेगा, बिकॉज दे आर सेम ट्राइंगल विथ डिफरेंट नेम, ठीक है, ट्राइंगल सेम है, नाम खाली मैंने उसको अलग अलग दिया है, सो दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों का एरिया भी क्या आएगा, सेम आएगा, तो इसका एरिया कितना आया था 18, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 18 इज इक्वल्स टू, इसका एरिया कितना आया था, तो हमने पूरा सॉल्व नहीं किया था, हाफ इनटू 12 इनटू qt, बराबर है। नाउ ये 2 है, 2 1 2 2 6
12, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 18 is equals to 6 into QT. Now 6 जो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई तो वहाँ पे अगर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 18 upon 6 is equals to QT. 6 on the 6, 6 is a 18, so QT is equals to, ठीक है, काफी सिंपल सा है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन खाली आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. पहली बात तो ये दोनों के ट्रायंगल सेम ही है, ठीक है, ये ट्रायंगल पहले हम लोग अप्रोच करेंगे इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके, और हम लोग बाहर वाला हाइट लेंगे और ये जो है आरक्यू जो है उसको बेस लेंगे, पूरा नहीं लेना, सिर्फ यहां तक, क्योंकि ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं तो सिर्फ यहां तक लेना, ठीक है, तो उसके हाइट का रहेगा टॉप से, टॉप से लेके नीचे तक इसकी हाइट कंसीडर करेंगे. सो ये हो गया फर्स्ट टाइम, ठीक है. सेकंड टाइम जब हम लोग ट्रायंगल हम लोग घुमा के इसको ए पी आर बेस लेके हम लोग क्यू टी को हाइट कंसीडर करेंगे, ये जो भी देखो पी आर का बेस है उसका टॉप का होता ज्यादा क्यू तो ज्यादा, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी. फिर हमें क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल क्या सेम है, दोनों का एरिया भी क्या होगा सेम होगा, एक से एरिया मिलेगा और एक में एक टर्म जो हमारा मिसिंग है, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो एक ही चीज मिसिंग है, बाकी सबको इसे शिफ्ट कर दिया सॉल्व करे तो आंसर जो है वो आ जाएगा. ओके सो गाइस दिस इज अ फोर्थ सम, ठीक है, एंड काफी सिंपल सम है, बस आपको ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है तो आपको ये जो समय समझ में आ जाएगा, काफी इजी है, ठीक है. सो लेट्स गेट गोइंग. तो आपको दो ट्रायंगल इसमें दिख रहेगा, तो देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी, बी सी डी, तो आपको यहाँ पे दोनों भी नाम दिया हुआ है, तो आप वैसे भी पढ़ के भी समझ सकते हो कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है. तो आपको दिया गया है ए डी और बी सी पैरेलल, ए डी जो लाइन है और BC जो लाइन है, दोनों क्या है पैरेलल, ना पैरेलल होने से क्या होता है, दो लाइंस जो पैरेलल है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी जो हाइट होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, यानी कहीं पे भी यहाँ पे भी अगर 10 है तो यहाँ से यहाँ पे भी 10 रहेगा, ठीक है, ये 10 है, ये अगर इतना जो डिस्टेंस है 10 है तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ये दोनों के बीच का बेसिकली जो डिस्टेंस है वो हमेशा हर जगह पे क्या होता है सेम होता है, कहीं पे भी चले जाओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सेम, ठीक है. ना हमको पता करना है कि अगर इन दोनों ट्रायंगल का मैं रेशियो निकालूं तो इसको इक्वल आएगा, ठीक है, तो हमको चेक करना है. तो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आपको दिख रहा ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है उसमें ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपको देख पाओ, ठीक है. दो ट्रायंगल का अगर आप लोग एरिया का रेशियो निकाल तो क्या आता है उनके बेस और हाइट के प्रोडक्ट को आप, ठीक है. सो मैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का देखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल A, area of triangle, B, C, D. अगर हमने लिया रेशो, तो रेशो क्या आएगा? So रेशो इसका आएगा बेस और हाइट का. So now इसका बेस, now बेस अगर हम लोग A, B, C triangle ले, A, B, C, तो ये इसका बेस है B, C. So मैंने B, C यहाँ पे ले लिया into उसकी हाइट आएगी हाइट into उसकी आएगी हाइट, हाइट क्या आएगा इसका A, P, perpendicular दिया होगा ना अपने एंटी थी. So A बराबर है, समझ में आएगा. सो दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो किसको इक्वल होगा, बेस और हाइट के प्रोडक्ट को, जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है. वैसे ही अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लूं बी सी डी, सो ना ये जो ट्रायंगल है एक तरह का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये मतलब कर्व है और ये बाहर की तरफ जा रहा पॉइंट डी वाला, लेकिन हमको पता है कि उसका हम लोग एरिया कैसे करते हैं, बेस इनटू हाइट करते हैं उसका भी सेम, ठीक है, तो उसका बेस क्या आएगा बी सी, तो मैंने बी सी इसका बेस ले लिया इनटू. अब ये जो ट्रायंगल है इसका हाइट क्या आएगा, तो हाइट तो ये आया ना बेस से लेके ऊपर के पीक तक जो डिस्टेंस है वही उसका हाइट आएगा, और हमको पता है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सब जगह पे सेम रहेगा. तो यहां पे अगर AP है, यहां से यहां तक हाइट अगर AP है, तो यहां से यहां तक का भी हाइट हम AP कंसीडर कर सकते हैं. गाइस हमने AP इसमें हाइट लिया था पहले ट्रायंगल ABC में, हमने AP हाइट लिया था, तो ये दोनों ट्रायंगल के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर, हमको दिया हुआ है कि ये जो है AP और BC, AP और BC क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम हाइट बोलते हैं बेसिकली, बराबर है ना. ये जो आप BC देखोगे थोड़ा सा टेढ़ा है तो हम उसको हाइट नहीं ले सकते, तो हाइट हमको एकदम स्ट्रेट चाहिए, लेकिन हमको पता है कि AP एकदम स्ट्रेट है और ये दोनों लाइन जो सेम ही है, मतलब ये भी सेम दोनों लाइन है और यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो डिस्टेंस तो कहीं पे भी क्या रहेगा इक्वल ही रहेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट. तो यहाँ पे अगर AP डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या आएगा AP ही आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, हम लोग AP लिखेंगे, ठीक है ना. देखो दोनों का BC BC इक्वल है, AP AP इक्वल है, बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, बेस तो लिख रहा आपको कॉमन बेस था बराबर, और हाइट भी इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए, दोनों का हाईएस्ट जो पॉइंट है वो दोनों का भी क्या है सेम है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर ही मतलब उतने ही डिस्टेंस में बने हुए, ठीक है. सो नाउ क्योंकि BC और AB इक्वल है तो आंसर हो जाएगा AP और AP
कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/1। सो अगर इन दोनों का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू दिस, तो आंसर क्या आएगा आपका 1/1। सो आप देख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/1। दैट्स इट। So that was your fourth sum, ठीक है? I hope आपको ये समझ में आएगा, काफी easy है। क्योंकि दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो इन दोनों parallel के बीच में तो height दोनों का क्या रहेगा, same रहेगा, और base तो common है, base और height common है, तो सब कुछ answer हो जाएगा, बचेगा 1/1, that's it, that's your ratio, ठीक है? So let's move to the next sum, तो without wasting any more time, ठीक है? इसका जो reason है, इन्हें अगर same base है तो सिर्फ height का ratio आएगा, और सेम हाइट है तो सिर्फ बेस का रेशियो आएगा, और अगर दोनों भी इक्वल नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनके बेस और हाइट का प्रोडक्ट आएगा, वो रीजन आपको बाजू में लिखना है, ठीक है? जाकर आप यूज करोगे जो भी प्रॉपर्टी, ठीक है? सो अभी आप ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू बी, ठीक है? ट्राइंगल पी क्यू बी, ठीक है? एक ट्राइंगल पी क्यू बी, तो पी क्यू बी अगर ले तो उसका बेस और हाइट क्या आएगा, पी क्यू हाइट आएगा और बी क्यू बेस आएगा, ठीक है? तो उसका आएगा बी क्यू इंटू पी क्यू, हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? हर आपको रेशियोज लिखने हैं बस, और कुछ करना नहीं, कुछ नंबर्स दिए नहीं है तो कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी नहीं है, ठीक है? नाउ पीबीसी अगर ट्रायंगल ले, ट्रायंगल सी बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल पी बी सी, ठीक है? आपको पी बी सी ये लाइन, ठीक है? इसको फॉलो करो तो समझ में आएगा, ठीक है? तो ये वाला जो साइड है वो वाला आने वाला है, इसको काउंट करना, जो डैश किया ना वो वाला साइड है, ठीक है? तो इसका बेस क्या आएगा, बी सी, इसका हाइट क्या आएगा, पी क्यू, पी क्यू, ना दोनों में पी क्यू और पी क्यू सेम है, तो बचेगा क्या, बी क्यू अपॉन बी सी, ठीक है? सो ये होगा फर्स्ट का। नाउ सेकंड का करते हैं हम लोग। सो ट्रायंगल पी बी सी, नाउ ट्रायंगल पी बी सी, ट्रायंगल पी बी सी, ये वापस ये वाला ट्रायंगल है, सेम, ठीक है? ये वाला देख रहा, पी बी सी, पी बी सी, तो इसका सेम लिख देंगे हम लोग, क्या आएगा, बी सी इंटू पी क्यू, बेस और हाइट, ठीक है? ट्रायंगल एबीसी का बेस और हाइट, ट्रायंगल एबीसी का बेस और हाइट, ट्रायंगल एबीसी का बेस क्या आएगा, बीसी, और हाइट क्या आएगा, एबी। सो बीसी और बीसी से हमें कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पीक्यू अपॉन एडी, ठीक है? सिंपल, यहाँ पे दोनों का क्या इक्वल है, दोनों का यहाँ पे जो बीसी यानी बेस जो क्या है वो इक्वल है, तो कट हो जाएगा, ठीक है? सो पीक्यू और एडी यानी हाइट का जो रेशियो है वो आया। नाउ ट्रायंगल एबीसी, तो यहां पर हमने ट्रायंगल एबीसी का लिखा था बीसी इनटू एडी, वापस इस सूत्र इसको बीसी इनटू एडी, हमको पता ना वही से बेस और हाइट, उसी ट्रायंगल का बेस और हाइट तो वही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होने वाला है, ठीक है? सो बीसी इनटू एडी, नाउ एडीसी, ए डी सी, तो इसका बेस क्या है, डीसी, और हाइट क्या है, एडी, दोनों का हाइट जो है सेम, एडी कैंसिल हो जाएगा, क्या है, बीसी अपॉन डीसी, ठीक है? Now, last sum, जो कि ये fourth sum, now ADC, ADC था यहाँ पे same opposite था, C into AD, DC into AD, now PQC, PQC, ये triangle, PQC अगर मैं देखूँ तो QC इसका क्या है, base है, और height क्या है, PQ, PQ, now इसमें इसके बारे में लगा ADC, तो ADC का height था AD, ठीक है, और बेस था डी सी, ठीक है? इसका हाइट है पी क्यू, ठीक है, और बेस है क्यू सी। नाउ इन दोनों के में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी आंसर नहीं होगा, सब वैसे का वैसे रह जाएगा, तो ये तुम्हारा जो है फाइनल आंसर है, ठीक है? सो ये इज आंसर फॉर दिस दिस एंड दिस। तो गाइस जो फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम आई रही है एंड यूजफुल रही रहेगी। सो अगर ये वीडियो समझ में आई हो, आपको सारे सम्स क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, जो सेम आपके करिकुलम में या फिर जो भी आपके स्टैंडर्ड में है, ठीक है, उनको शेयर करो ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है? एंड अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ डिफिकल्टीज है और भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और बेसिकली किसी टॉपिक पे और अगर आपको डीप में वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? बेसिक सीरीज है वो भी चालू है, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो एक बेसिक सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो, तो वहां पे आपको बेसिक सीरीज मिल जाएगी, तो वहां से आप अपना बेस भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सी यू गाइस टुमारो एंड कीप वॉचिंग, बाय।